हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व। इस तरह से मोर देन 118 एलिमेंट्स हैं, अभी और भी पाए जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में रखे जाएंगे, ठीक है, जैसे लोहा और गोल्ड, सिल्वर है ना, एल्युमिनियम, ये सारी ठोस चीज़ें, और गैस फॉर्म में जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें, और लिक्विड में जो भी हैं जैसे मरकरी वगैरह, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तीनों चीज़ें होती हैं। मेटल सॉलिड होते हैं, चमकते हैं, नॉन मेटल थोड़ा से गैस और लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और थोड़े सॉलिड फॉर्म में भी हैं, और क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स दोनों के बीच में होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो ये अलग बात है। पहले हाइड्रोजन पर बात करते हैं कि हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन है क्या, कैसे पहचानेंगे, हाइड्रोजन सिंबल क्या है। तो याद रखिए, हाइड्रोजन का सिंबल जो है, जो इसका पहला लेटर है ये H, यही इसका सिंबल है। कहीं H लिखा हो समझ जाइए हाइड्रोजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस जो हम सांस लेते हैं उसे कहते हैं, ये भी एक एलिमेंट है, इसका भी सिंबल O हो गया। इसी तरह कार्बन, ठीक है, हर एक का अपना अपना सिंबल है। अब आपको एक बात ये पता करनी है कि हाइड्रोजन का फ़ायदा क्या है, हाइड्रोजन क्यों बनी, हाइड्रोजन गैस क्या है, ऑक्सीजन क्या बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहली बात ये भी याद रखिए कि इन दोनों गैसेस से मिलके क्या बनता है, पानी बनता है। क्या बनता है, वाटर जो हम पीते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन के दो यानी H2, ऑक्सीजन का एक H2O, ये पानी है, वाटर, ठीक। और ये ऑक्सीजन जो है हमारा, ये सांस हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक। और ऑक्सीजन से, और उसके नीचे जो बना है हमारा कार्बन, जैसे कि ये, ठीक है। तो अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो इन दोनों चीज़ों से मिलके भी एक चीज़ बनती है, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, C1, ऑक्सीजन के 2 CO2, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जैसे पेड़ है, पेड़ के लिए समझ लिए, पेड़ इसको लेते हैं, पेड़ ले इसको लेंगे, इनहेल करेंगे पेड़ अपने अंदर स्टोमेटा के थ्रू, और खाना बनाएंगे, किचन इनकी पत्तियाँ होती हैं, किचन में खाना बनता है। फिर ये अपने अंदर एनर्जी पैदा करने के बाद, फ्रूट वगैरह बनाने के बाद, मतलब उन सब चीज़ों से बनता ही है धीरे धीरे करके, प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फिर ये ऑक्सीजन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहते हैं O2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ये सांस कौन लेता है, ऑक्सीजन, इंसान सांस लेता है, कौन लेता है, इंसान, ओके। इंसान ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कौन लेता है, ये, ओके। इनहेल ऑक्सीजन करेगा इंसान, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। पेड़ क्या करेंगे, इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, एक्सहेल यानी बाहर निकालेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अब देखिए इनका क्या इस्तेमाल है, जैसे हम आगे बढ़ाएं, जैसे हमने जैसे बताया कि आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके क्या बना है, वाटर बना है, क्यों, कैसे, फॉर्मूला भी हमने दिखाया। देखिए आगे देखिए, H2O क्या है फॉर्मूला, H2O ये किसका फॉर्मूला है, वाटर का। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, CO2, क्या होता है, CO2, ओके। इसी तरह एक मीथेन गैस बनी है जो आपको दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके, ये दोनों मिलके, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके, इन लोग क्या बनाते हैं, देखिए CH4, क्या, मीथेन गैस, क्या है, CH4 मीथेन गैस। अब इसका क्या काम क्या है, ये सारी चीज़ों का देखिए यहाँ पे आगे यूज़ लिखा है छोटा सा, आपको दिख रहा है कि भाई जल ही जीवन है, ये वाटर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो ये एसेंशियल फॉर लाइफ है, लाइफ के लिए ज़रूरी है। जब बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री बता रहे हैं, बेसिक चीज़ें केमिस्ट्री अगर बिल्कुल नहीं आती उनके लिए भी है, और फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और सिंबल भी पता चल जाएगा किसका क्या सिंबल है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन है, जैसे रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना और सांस बाहर निकालना, और उसके थ्रू, ये एक ब्रॉड टर्म है अपने आप में, मतलब हम जो सांस लेते हैं, पहले जो हमने खाना खाया होता है, तो ये रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है, खाने को जलाती है, ये खाने को जलाती है, बर्न करती है, फिर उससे एनर्जी बनती है, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एनर्जी करेंसी, ठीक। इस तरह से मेटाबॉलिज्म बनता है, फिर हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी आती है, ठीक है, उससे थोड़ी देर 4-5 घंटे तक, वो 6 घंटे तक एनर्जी रहती है, फिर हमें खाना खाना पड़ता है ना। तो ये रेस्पिरेशन के ही थ्रू होता है, अगर इंसान सांस ना ले मर जाएगा, तो सांस नहीं लेगा तो खाना नहीं डाइजेस्ट होगा, ना ही जलेगा, ना ही बर्न होगा, ना ही एनर्जी बनेगी, ओके। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद अगर हम कार्बन, जो एक एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है और हर एक चीज़ में पाया जाता है मोस्टली,
तो उसको सी से शो करते हैं, पहला लेटर इसका है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती है, मीथेन। देखिए पहला सी और फिर एच फोर, एच के फोर ले लेंगे तो मीथेन, ये सी एच फोर बन जाएगा मीथेन। ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसकी कैसी स्मेल होती है, कहाँ आती है, ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन भी एक गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, या हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में, हवा में सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी है ये नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में, 79% लगभग, अप्रॉक्सीमेटली 79%, और बाकी 20% ऑक्सीजन है। 1% में सारी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, बहुत सारी गैसेज जो हैं, क्रिप्टॉन कह दिया सॉरी, बहुत सारी गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में हैं 1% में। ऑक्सीजन 20% है, नाइट्रोजन 79% है, ओके, टोटल 100% हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो गैस है उसका भी इस्तेमाल लाइफ में होता है। नाइट्रोजन को एन से शो करते हैं, देखिए पहला लेटर। और इसका इस्तेमाल जैसे चिप्स के पैकेट में होता है, चिप्स के पैकेट फूले फूले होते हैं इसलिए ताकि वो सीले ना, ख़राब ना हो, तो नाइट्रोजन की वजह से, ओके। और गाड़ी के टायर में जो आप हवा भरवाते हैं वो भी नाइट्रोजन की ही हो, नाइट्रोजन ही होती है। अब कमेंट में आप एक चीज़ ये बताएंगे कि एरोप्लेन के टायर में कौन सी हवा भरी जाती है। चलिए हम नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का अगर मिलेगा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन मिले यानी H और N का जो संगम होगा तो अमोनिया बनेगा, NH3। क्या बनेगा, NH3। ये फर्टिलाइज़र में यूज़ होती है, ओके, क्लियर हो गई बात। उसके बाद एक चीज़ होता है एलिमेंट क्लोरीन, क्या है वो, क्लोरीन। इसका सिंबल C और L, पहला और तीसरा लेटर, ओके, C और L याद रहेगा। अगर क्लोरीन और नाइट्रोजन मिले, यानी कि ये दोनों चीज़ें अगर मिलाई जाए तो इनसे क्या चीज़ बन रही है, सोडियम क्लोराइड। और ये होता क्या है, नमक होता है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। देखिए Na माने होता है सोडियम, ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई यहाँ पे हमसे। देखिए सोडियम को कहते हैं Na और क्लोरीन को कहते हैं Cl। तो ये दोनों जब मिलेंगे, नाइट्रोजन अलग चीज़ है। अब आप कहेंगे सर सोडियम का सिंबल तो N होना चाहिए क्योंकि, सॉरी SO होना चाहिए क्योंकि सोडियम का नाम S से शुरू है, तो Na क्यों हो गया। तो सोडियम का असली नाम नैट्रियम होता है, क्या होता है, नैट्रियम, NAT नैट RIUM नैट्रियम, इसलिए नैट्रियम से ही Na इसका लिया गया है, ओके। तब जब सोडियम और नाइट्रोजन, सोडियम और क्लोरीन मिलेगा, NaCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl। और ये होता है, इसका पूरा नाम हो जाएगा Na माने सोडियम, Cl माने क्लोराइड। तो ये किसका फॉर्मूला है, नमक का, नमक को हम NaCl कहते हैं। और हमारे जो आंसू होते हैं वो NaCl प्लस H2O, नमक और पानी है, ठीक है, H2O माने पानी। अच्छा ये भी हमारी एसेंशियल फॉर लाइफ के लिए एसेंशियल है, अगर नमक में आयोडीन होता, अगर नहीं खाएंगे तो हमें घेंगा हो जाएगा, गोइटर, GOITRE, गोइटर, ठीक है। तो हर चीज़ की लाइफ में ज़रूरी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम देखें कि ये सोडियम हमारा जो है, इसकी रिएक्शन अगर हम किससे कराएं, हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन भी ले लें साथ में, यानी कि HOH और Na, तो ये हमारा बन जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पूरा नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक तरह का बेस है ना, बेस इसे कहते हैं जो कड़वा हो, एसिड उसे कहते हैं जो खट्टा हो, और सॉल्ट इसे कहते हैं जो नमकीन हो, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट भी आप समझेंगे। जिसमें OH लगा हो लास्ट में, समझ जाइएगा वो बेस है, जिसमें लास्ट में OH, देखिए OH लगा है वो बेस है, जिसमें H शुरू में लगा हो वो एसिड है, एसिड, ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक ये। अब हम पोटेशियम की बात करें कि पोटेशियम क्या होता है, तो पोटेशियम का असली नाम कैलियम, केलियम होता है, ये पोटेशियम है, इसका असली नाम केलियम होता है, इसलिए इसका संबल के लिए हो गया। अब पोटेशियम से क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 नाइट्रेट को कहते हैं NO3, ठीक है। ये भी फर्टिलाइज़र और बॉम्ब बनाने में यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव में, किस में यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव में यूज़ होता है, ठीक है, बॉम्ब बनाने में। कैल्शियम यानी कैल्शियम जिसे आप बोलते हैं, कैल्शियम कहा जाता है, इसका सिंबल जो है CA होता है, शुरू के दो लेटर, ठीक है। और इससे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, बिल्डिंग बनाने में, चौक का फॉर्मूला भी यही होता है ना, CaCO3, CaO क्विक लाइम का होता है, चौक का फॉर्मूला CaCO3, CA माने कैल्शियम, CO3 माने कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए इसका फुल फॉर्म भी लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CA माने कैल्शियम, कार्बोनेट माने CO3, तो ये दोनों मिलके
हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, ठीक है। चूना, मैग्नीशियम यानी इसके लिए एम जी फॉर्मूला है, एम जी। अच्छा एक चीज़ होती है मैंगनीज, एम ए क्या होती है, एम ए एन जी ए एन ई एस ई, मैंगनीज। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एम एन, ठीक है। लेकिन एक होता है मैग्नीशियम, दिख रहा है आपको मैग्नीशियम, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म हो गया एम जी, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इससे बना, मैग्नीशियम एम जी ओ, एंट एसिड में यूज़ होता है और इंसुलेशन में यूज़ होता है। अच्छा एंट एसिड चीटे का जो डंग होता है, चीटे की दूम कह लो या डंग कह लो, उसमें एंट एसिड होता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए आयरन यानी कि लोहा, लोहे को एफ ई कहा गया है, क्या कहा गया है लोहे को, आयरन को क्या कहा गया है, एफ ई। क्यों, क्योंकि आयरन का असली नाम फेरस होता है, क्या होता है, फेरम, फेरम होगा, ठीक है, इसलिए शुरू का एफ ई लिया गया। ओके तो अब समझ में आ रही बात ना, तो आयरन से बनेगा आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है Fe2O3, ये प्रोडक्ट ऑफ आयरन कोरोजन में इस्तेमाल होता है, यानी इस्तेमाल क्या होता है, मतलब जंग लग जाता है उसी को कोरोजन कहते हैं, कोरोड हो जाता है। और जंग लगा जैसे एक किलो का ये डिब्बा है और एक लोहे का और एक किलो का ये भी डिब्बा है, दोनों एक एक किलो के थे, इसको हमने हवा पानी धूप में रख दिया, इसमें क्या लग गया, रस्ट लग गया, रस्ट माने होता है जंग। तो आप बताइए एक किलो का ये भी था एक किलो का ये, क्या दोनों एक एक किलो के बचेंगे, कौन हल्का हो जाएगा, नहीं। आप हर एक इंसान सोचेगा भाई जंग लग गया, जंग लोहे को खाता है तो ये हल्का हो जाएगा, लेकिन उल्टा होता है, जंग वाला भारी होगा, ये हैवियर होगा, ठीक है, क्योंकि जंग का अपना वजन होता है, एक किलो तो वो और एक किलो जंग ने खाया होगा लोग जो भी, लेकिन इसका अपना भी वजन होता है, ठीक है, खा खा के मोटा हो जाता है ये भी, तो ये एक से डेढ़, एक किलो से ऊपर ही हो जाएगा, डेढ़ किलो हो जाएगा, सवा किलो हो जाएगा। ओके तो जंग लगा चीज़ यानी करोड़ यानी रस्टिंग, रस्टिंग ऑब्जेक्ट जो है, रस्टी ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवियर होता है बजाय कि नॉन रस्टिंग। उसके बाद हम बात करें कॉपर की, किसकी, कॉपर, कॉपर क्या है, कॉपर को हम सी यू कहते हैं, सी यू क्या कहते हैं, सी यू। आप उनसे कहेंगे सर कॉपर में तो सी ओ है शुरू में, क्योंकि कॉपर का नाम क्यूप्रम होता है, असली नाम क्या होता है, क्यूप्रम, इसलिए इसका शुरू का सी यू लिया जाता है। ओके अरे एक कोबाल्ट होता है सी ओ बी एल टी, ठीक है, वो इसका सी ओ होगा। कार्बन होता है, कार्बन का देखिए सी था, तो जो मिलते जुलते चीज़ें हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। ओके तो हम यहाँ पे कॉपर इसमें थे, कॉपर, कॉपर माने होता क्या है बता पाएंगे, कॉपर माने होता है तांबा, ब्रास माने होता है पीतल, ब्रास माने पीतल, सिल्वर माने पता ही है चांदी, ब्रॉन्ज माने होता है कांस, BRONZE, ब्रॉन्ज माने कांस, जो आपको थर्ड प्राइज में मेडल मिलता है उसे कहते हैं कांस, लिख लीजिएगा। चलिए कॉपर से क्या बनता है, कॉपर से देखिए कॉपर सल्फेट बन रहा है, सल्फेट की स्पेलिंग आप गलत लिखिए, SULPHATE होगा, SO4 को कहते हैं सल्फेट। ओके ये एग्रीकल्चर खेती किसानी में इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एल्युमिनियम पता ही है क्या होता है, एल्युमिनियम का सिंबल जो है शुरू का AL यानी दो लेटर, एल्युमिनियम ऑक्साइड L2O3, ये सिरेमिक्स और एल्युमिनियम प्रोडक्ट में यूज़ होता है। गोल्ड, गोल्ड को हम क्या कहते हैं ये ध्यान से देखिएगा, गोल्ड को शॉर्ट फॉर्म में ऑरम कहते हैं, क्या AU लिखा ना, GO लिखना चाहिए जी ओ गो, लेकिन गोल्ड का AU क्यों लिखा, क्योंकि गोल्ड का असली नाम ऑरम होता है ना, ऑरम RUM होगा आई थिंक, ठीक है, ऑरम, इसलिए AU उसका शुरू का लिया गया। अब गोल्ड क्लोराइड AuCl3 बनाया, और ये ज्वेलरी में यूज़ होता है, ज्वेलरी की स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग कमेंट में बताइए आप, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, गोल्ड में करंट पास होता है, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें करंट पास हो कंडक्टर, इंसुलेटर जिसमें करंट ना पास हो, जैसे रबर प्लास्टिक इंसुलेटर हैं, लोहा तांबा पीतल चांदी ये सब क्या है, गोल्ड क्या है, कंडक्टर्स हैं, ठीक। अब हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर क्या है, ये सिल्वर को हम AG क्यों कहते हैं, SI क्यों नहीं कहते हैं, तो याद रखिएगा SI सिल्वर का शुरू का होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो AG क्यों कहते हैं, अर्जेंटम इसका फुल फॉर्म, इसका नाम जो होता है अर्जेंटम, ठीक है। SI होता है केमिस्ट्री में, SI माने केमिस्ट्री में सिलिकन होता है, क्या होता है, सिलिकॉन के लिए, सिलिकन के लिए, इसमें शीशा मिला होता है, ये भी एक एलिमेंट है, ये उसके बीच में होता है, ये सिलिकॉन जो है मेटलॉइड्स होता है, ठीक, और इससे ही सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, इसमें इससे कई चिप, कंप्यूटर की चिप भी इसकी हेल्प से बनती है, बहुत सारे फायदे हैं। और
ये फोटोग्राफी में यूज़ होता है सिल्वर, और मेडिसिन दवाइयों में भी यूज़ होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी कि आप केमिस्ट्री के बारे में पता लग गया कि क्या क्या चीज़ें केमिस्ट्री में हैं, क्यों पढ़ाई जाती हैं, और क्या फ़ायदा है केमिस्ट्री पढ़ने का, उससे क्या बनता है, किसका क्या नाम है, क्या एलिमेंट है। अब इन सब का एटॉमिक नंबर भी होता है जब आप थोड़ा सा बढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, मैग्नीशियम का 12, आयरन का 26 होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, सिल्वर 47, गोल्ड AU 79, एल्युमिनियम 13, कॉपर का कमेंट में बताइए, कुछ आपके लिए भी छोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप करिए, पढ़िए और रिवाइज करिए, और बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट भी लिए और इसको रिवाइज करिए और शेयर भी करिए, और बताइए कमेंट में क्या नया सीखा, और कुछ गलती लगी हो तो भी बताइए।